ये अरहर का ठिकुआ बना रहे हैं, गुड़ और घी से ही बनता है ये, और व्रत करने वाली ही इसको बनाती है। ये खाओ के नहीं बनता है, ये व्रत करके ही बनाया जाता है। याद है हम? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से याद। तो तुम पता रहता है इसमें कितना क्वांटिटी में कितना डालना है। हाँ, ये आदमी अभी उठा है, क्या कोई अजीब सपना अपना देख लिया हो क्या? एक बैच की तैयारी हो गई है, ये बन रहा है दूसरा बैच। प्लास्टिक, ये पानी अंदर से आया है। खेल लीजिए GT5। GT5 सब लोग ट्राई किए हैं, GT5 2013 का गेम है। तो आज हम लोग बॉल को एक्सप्लोर करने वाले हैं विशाल भाई के साथ, तो वीडियो तक लास्ट बनी रहिएगा। बस अब टॉस होने वाला है, आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच है और यहाँ माला लगाने का काम मिला है हम लोग को। एक बार देख लेते हैं टॉस का क्या नतीजा है, मतलब क्या हुआ टॉस, उसके बाद बाकी काम कर लेंगे। वहाँ पीछे का चाय पी लो। मस्त बन रहा घाट। इंडिया की बैटिंग है, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता और बॉलिंग लिया। एस्थेटिक बंदा, एस्थेटिक बंदा नहीं बन रहा है भैया। काम करिए भैया, पल्लू साहब तू काम कर। हाँ, अब आप सारा बात करते रहे, यहाँ का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इस बार ऐसे जीता है इंडिया के लिए, मतलब इस बार लग रहा है सारा मैच जीता इस बार। हाँ, इस बार वो वर्ल्ड कप वाला एक्साइटमेंट ही नहीं हो रहा है, इतना इजीली जीता है सब। वही तो, एशिया कप भी इतना आसानी से जीत गया। यहाँ पे क्रिकेट का स्क्रीन ऑन लगा, समझ आता है ना? लगा, टीवी निकालिए ना, टीवी निकाल ले, निकालिए, एक स्टैंड लाइए। हाँ, कहाँ लगेगा लगाइए। मैं ब्लॉग बना रहे हैं उसी का भोजपुरी वर्जन है ना। अरे सिद्धू मूसे वाला गाना नहीं है 295? जो ओरिजिनल पलटू वो नहीं जानता, लेकिन भोजपुरी वाला स्टार्ट करिए, मैच स्टार्ट करिए। अरे होगा तब ना, अभी 40 हो रहा है, 2 बजे से होगा मैच। बहुत पानी लगी, फॉर्मेलिटी के लिए चाहिए ना पानी। टच थोड़ी होना चाहिए, खाली पैर डूबना चाहिए ना थोड़ा। टच करने से थोड़ी ना होगा। गेस कर रहा है पहले बॉल पे क्या होगा। अरे यार, जरूरी है अभी स्पीड पे खेलना, 1 घंटे बाद 4 लगा है। घर में साइकिल ही उलट दिया। ओ भाई, अरे प्लेड ऑन हो गया, कुछ नहीं है अपने आप नहीं, लेकिन फिर भी बहुत लंबा खींचा है। वहीं पे अगर चला गया होता 15 ओवर पहले, तब तो दिमाग ही खराब हो जाता है। हेलो गाइस, मैं जा रहा हूँ काली पड़ा लाने। शाम के अर्घ की तैयारी हो रही है अभी और उधर मैच चल रहा है, अधिकतर लोगों का ध्यान मैच पे ही है। अजीब सा मैच हो गया, मतलब इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं, लेकिन इंडिया का है तो इंटरेस्टिंग नहीं, थोड़ा मतलब टेंशन हो रहा है। 50-50% चांस दिखा रहा सबका। तो
जडेजा भी आउट हो गया 178/5। पता नहीं तो अरे हाथ हटा उसके सामने फेंक दिया ना वो वीडियो में नहीं आया होगा पता आया होगा अब फिर सही में फेंक दिया क्या हो गया पीछे कैच आउट 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 वार्नर आउट हो गया सामी 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 क्राउड का भाई रिएक्शन देखो कितना हंसने लगा रणवीर सिंह भी स्टार्ट हो गया है प्ले डाउन हो जाता रे इनसाइड एज सोने जा रहे थे क्रिकेट देख के वापस आ गए सो जा रहा यही कैच पकड़ते जो हल्ला होता है यही प्रेशर बनेगा वो पूरा टीम पे प्रेशर बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया पे एक और विकेट गिरा है सर प्रेडिक्शन दे 159 हो गया क्या कहते नहीं है अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए लेकिन ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं आउट बोल्ड बहुत बहुत नहीं लगा ठीक है बाहर जा रहा है नहीं लिया लेकिन ले ही लेता हाँ वही बात है श्योर होगा हाँ बाहर जाना था बाहर चला क्या हो सकता है 20% हाँ हाँ 10-20% लगता नहीं नहीं बाहर भी जाना था यार थोड़ा सा लगता अंपायर कॉल ही होता ना वाह हमें भी क्या फेंका है एक रन दिया पूरे ओवर में आउट 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 क्या बॉल है ये आउट ही है बाप रे बाप वो कैसे बच रहे हैं समझ नहीं आ रहा 126 चला गया वैसे ही जा रहा है जब जब विकेट गिर रहा है डेसिबल कितना तेज शोर हो रहा है हर घर में गैस ऑफ है क्योंकि मैच ऑन क्या मैच हो रहा था शुरुआत में इतना एक्साइटेड थे हम लोग पर अब 30-40 रन कुछ और बचा है और तीन ही विकेट्स गिरे हैं अभी तक अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर खाना लाने क्योंकि मम्मी और मौसी का आज व्रत है ना कुछ बाहर से ही खाना ले आते हैं तो मैं और अश्मित जा रहे हैं अभी दोस्तों अभी हो रहा है सुबह का 6:30 और वर्ल्ड कप के चक्कर में ये फील ही नहीं हुआ कि छठ पूजा भी है कल रात को इतना बिजी थे सब लोग इंडिया नहीं जीत पाई बहुत खराब लगा अभी याद आया मतलब थोड़ा लेट हो गया है कहने का मतलब है तैयार हो गए हैं सब लोग और मुझे लग रहा है मैं शादी में जा रहा हूँ एनीवेज चलते हैं घाट पे और कंप्लीट करते हैं सेकेंड डे का जो जो करना बाकी है दुदुम्मा बोलते हैं ना इसको सूरज की जो पहली लाली होती है इस साइड जो दिख रही है उसी को अर्घ दिया जाता है
यस यहाँ चाय बांटते हुए सबको चीयर्स। छठ का पूरा प्रोसेस हो गया है, सुबह का अभी ऑलमोस्ट 8 बज रहा है। अच्छा है, सुबह सुबह उठ के अच्छा लगता है, और खास करके इस तरह का जो फेस्टिवल होता है ना। अब चाय पीते हैं और असल बोल रहा कचौड़ी खाने चलते हैं बाहर। रास्ते में इडली वाले भैया मिल गए, दूसरे में सिर्फ चटनी। ठीक है, ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो? मैं मुंबई का इडली टेस्ट करने के बाद इतना जोर से काट रहा हूँ, नीचे गिरने लगा तो लग रहा है वही वाला इडली खा रहा हूँ।